अंदर जो भी गड़बड़ गड़बड़ हो रही है वो सामने वालों के बिहेवियर से हो रही है। आज काउंसिल को सुबह से चलने नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे इश्यूज अवाम के पेंडिंग में हैं। मानसून हमारे सर पर है, नाले डीसिल्टिंग हमें कराना है, मानसून की तैयारियों के बारे में हमें कमिश्नर से और अहदेदारों से सवाल करना है, दूसरे तरक्याती कामों के बारे में हमें सवाल करना है, मुहर्रम हमारे सर पे है, मुहर्रम की तैयारियां और उसके वर्क्स के बारे में हमें अहदेदारों से सवाल करना है। पर इन सब बेसिक मुद्दों को छोड़ते हुए यहाँ पर सब अपनी अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं और अपने अपने सियासी मुद्दों पे आवाज उठा रहे हैं। वहां पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यही नुमाइंदा था कि आप काउंसिल चलाइए और अहदेदारों से जो हम सवाल करना चाह रहे हैं वो सवाल करने दीजिए। वहां पे कुछ ऐसे पोस्टर्स लाए गए जिससे हमें हम इत्तेफाक नहीं था और उसको हम वापस लिए। हमारे कॉर्पोरेट आजाद वो देखे और उसे वापस लिए। उन्हें भी चाहिए कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज का भी सेंटिमेंट रखे। अगर यहाँ पे अगर आपस से बाहर होना है तो कोई भी आपस से बाहर हो सकता है, पर मजलिस यहाँ पे अवाम की नुमाइंदगी करने आई है, अवाम के मसाइल उठाने आए हैं और उस पर हम कमिटेड है। हम ये किस्म के छिछोरेपने में ना हम कभी थे, ना मजलिस एक डिसिप्लिन पार्टी और ना कभी रहेगी। हमारा मेन कोर मुद्दा है कि अवाम के मसाइल यहाँ पे सही तरीके से उठाए जाए और उनके उनके मसाइल हल हो सके। पॉलिटिकल एजेंडा लेके जो जो पार्टीज यहाँ पे आए हैं उनको सोचना चाहिए कि उनको जो अवाम ने वोट दिया है, एक मकसद के तौर पे दिया वोट दिया है, ताकि वो उनका तरक्याती काम कर सके, ना ही